Hello everyone, today I'm going to discuss your next topic, that is azeotropic mixture. ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा है azeotropic मिक्सचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. 1 mark की आपको डेफिनेशन आती है, समटाइम 2 marks में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाइप्स भी आपने साथ में एक्सप्लेन करनी है अगर विदिन 2 marks आ जाता है. ठीक है, तो है आपका azeotropic मिक्सचर, azeotropic मिक्सचर्स. क्या होते हैं ये मिक्सचर, कौन से होते हैं एज़ियोट्रॉप मिक्सचर जो हैं. ठीक है, तो एज़ियोट्रॉप मिक्सचर जो हैं आपके ऐसे मिक्सचर हैं जिनको हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब बॉईल करते हैं तो इनकी कंपोजिशन में बच्चे कोई भी चेंज नहीं आता है, इनकी कंपोजिशन अनचेंज्ड रहती है. तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एज़ियोट्रॉप मिक्सचर्स और एज़ियोट्रॉप्स. ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे. द सोल्यूशन विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर नोन एज एज़ियोट्रॉप मिक्सचर्स. ठीक है, राइट डाउन द सोल्यूशन. द सोल्यूशंस विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम जिनको बॉयल करेंगे, एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इट्स कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन क्या रहती है अनचेंज रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं एज़ियोट्रॉप मिक्सचर्स. ठीक है, डिस्टिल अनचेंज्ड इट्स कंपोजिशन आर नोन एज एज़ियोट्रॉप मिक्सचर्स. ठीक है, दीज मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, ये मिक्सचर्स जो है आपके कितनी टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के मिक्सचर हैं ये आपके पास. फर्स्ट वन इज द मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप्स. फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप. Why does it call minimum boiling and why it is maximum? Maximum boiling azeotropes. For the reason of minimum and maximum, see here. For example, first one, minimum boiling azeotropes. Okay? Minimum boiling azeotropes, these are formed in case of binary liquid mixtures having the positive deviation, having showing positive deviation. तो कहाँ पे होंगे ये जो positive deviation show करते हैं, उन solutions में एक तो आपको मिलेंगे minimum boiling, maximum boiling azeotropes आपको मिलेंगे जो negative deviation show करते हैं. ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनमें आपको मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप्स मिलेंगे, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप जो है वो नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करेंगे. अब मिनिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम क्या मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग की मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ क्यों मिनिमम हमने बोला है. मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप के अंदर जैसे मान लो हमारे पास जो है वो 2 सॉल्यूशन है, एक मैं इथाइल अल्कोहल लेती हूँ, एक वाटर लेती हूँ पॉजिटिव की इथाइल अल्कोहल. ठीक है, सेकंड मैं ले लेती हूँ वाटर, मिनिमम की बात कर रही हूँ. ठीक है, जो इथाइल अल्कोहल है बच्चे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो है 351.3 केल्विन एंड वाटर 373 केल्विन. ठीक है, जब आप इन दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे, ठीक है दोनों सॉल्यूशंस को आप क्या करेंगे, इनको जब आप मिक्स करेंगे और फिर बॉयल करेंगे तो इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा. ठीक है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया मैंने, 351.3 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 373. जब आपने दोनों को मिक्स किया, इनको बॉयल किया, देन इनका बॉइलिंग टेम्परेचर मिक्स करने के बाद रहा 351.1 केल्विन. ठीक है, कितना आया इनका, 351.1 केल्विन. अब ये वैल्यू देखिए आपके पास क्या, इन दोनों से मिनिमम है. ठीक है, तो इस वजह से दिस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप. ठीक है,
तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम आ रहा है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, ड्यू टू दिस रिगार्डेड एज मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप्स. ठीक है, तो टू पॉइंट्स आपने इसमें ध्यान में रखने हैं. मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप एक तो कहाँ शो होंगे, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगी. ठीक है, कहाँ पे होते हैं, जहाँ पॉजिटिव डेविएशन जो है वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप बोलते हैं. मैक्सिमम बॉइलिंग आपके होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के अंदर जो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आपके पास फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर उन दोनों से कम आता है. ड्यू टू दिस हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप आपके कहाँ शो होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस में. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के एग्जांपल में यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं लिक्विड मिक्सचर इसकी कंसिस्टिंग ऑफ 20.2 मास परसेंटेज ऑफ HCl. एक मैं यहाँ HCl लेती हूँ, एक मैं यहाँ पे वाटर ले लेती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन की एक HCl की एग्जाम्पल और एक वाटर की एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे. इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वहाँ पे ये जो बॉयल करते हैं वो 383 केल्विन के ऊपर जो है वो बॉयल करेंगे. ठीक है, कितने टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, 383 केल्विन पे. बट इनका जो इंडिविजुअल जो बॉयलिंग टेम्परेचर है वो कितना है, HCl का जो इंडिविजुअल टेम्परेचर है वो 188 केल्विन पे ये बॉयल करता है. ठीक है, और वाटर जो है आपका 373 केल्विन पे बॉयल करता है. ठीक है, लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं जो टोटल इनका बॉइलिंग टेम्परेचर जो आता है वो कितना है आपके पास, वो दोनों का आ जाता है 383 केल्विन. ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग जो बॉइलिंग टेम्परेचर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 383. अब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप में देखो इन दोनों टेम्परेचर से जो वैल्यू है वो हायर आ रही है, मैक्सिमम आ रही है. ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग. सो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. एंड इन केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप देयर द बॉइलिंग टेम्परेचर आफ्टर द मिक्सिंग इज मिनिमम फ्रॉम द इंडिविजुअल टेम्परेचर्स. ठीक है, जो इंडिविजुअल टेम्परेचर है उनसे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है. ड्यू टू दिस कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. यहाँ क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है दोनों के मिक्स करने के बाद, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स हैं. ठीक है, तो ये है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप जो पॉजिटिव सोल्यूशन शो करते हैं. मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप नेगेटिव में होगा, मैक्सिमम में वैल्यू आफ्टर मिक्सिंग मैक्सिमम हो जाएगी टेम्परेचर की, मिनिमम में मिनिमम हो जाएगी. तो ये है एज़ोट्रोप्स. 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन ये आएगा, एज़ोट्रोप क्या होते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्या है. थ्रेटिकल सिंपल सा क्वेश्चन आपको आता है, पता ही आपको हमारे HP बोर्ड में जो है वो इतने ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन हैं. बस थ्रेटिकल पार्ट जो है वो बेसिक्स जो है वो अपने क्लियर रखिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. नेक्स्ट वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कैसे डिटरमिन करना है. अब इसके बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर. ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दीज प्रॉपर्टीज depends upon the number of solute particle. ठीक है, जो solute particle हैं उनके ऊपर ये depend करेंगी, not on the nature of the solute particle. ठीक है, जो किसके ऊपर depend करती हैं उनकी, उनके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो कितने हैं उसके नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं सोल्यूशन में, एंड नॉट एट ऑल ऑन देयर नेचर और कंपोजिशन.
आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, चाहे लिख लो इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल but not at all on their nature, but not at all on their nature or composition. ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये, उसकी नेचर के ऊपर, उसकी कंपोजिशन के ऊपर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं. डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट एट ऑल ऑन देयर नेचर एंड कंपोजिशन, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेंगी. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ फोर टाइप. फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एग्जाम में आपको ये जो है इनके एक्सप्रेशन जो है वो आते हैं, एक एक प्रॉपर्टी आपको आ जाती है और हर साल ये आता है क्वेश्चन. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो एक एक जो है वो 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको हर सीरीज में आता है. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सेकेंड वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अब वन बाय वन हमने इनके एक्सप्रेशन जो है वो देखने हैं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर. ठीक है, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ से प्रूफ करना है, देखना है कि क्या सच में जो है वो मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देन प्रूफ करना है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज आपकी कॉलिगेटिव है. क्लियर, तो ये फोर टाइप के आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब यहाँ पे जो रॉयल्स लॉ हमने किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो यूज हमने करना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो फर्स्ट लिखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ. ठीक है, पढ़ा है रॉयल्स लॉ आपने, क्या था हमारे पास रॉयल्स लॉ, ऑलरेडी हमने किया है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यही था रॉयल्स लॉ आपके पास. व्हाट इज पी ए, पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. राइट डाउन पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. लिख लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. पी ए क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूशन का है. एक्स ए क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. एंड पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. पीए क्या है आपके, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. एक्स बी क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, एक्स बी जैसे एक्स ए है वैसे ही एक कंपोनेंट एक्स ए है आपका,
तो लिखेंगे हम इसमें पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट के लिए ये रहेगा, और बी के लिए जैसे हम कहते थे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब वो सेकेंड कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे लिखना, ये देखिए कैसे लिखेंगे अब इसको, पी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू वन, तो एक कंपोनेंट जो अगर हमारे पास है सेकेंड को वन माइनस करके जो हम वहां से निकालेंगे, ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू जो है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए है, तो इसको एक्स ए को हम और क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, तो भी यही चीज है, ठीक है। और इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, पी ए अपॉन पी नॉट ए इस साइड ले आएंगे और इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, देन एक्स बी एक्स यहां लिखती हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, पी ए अपॉन पी नॉट ए इस साइड चला गया, एक्स बी आपका इस साइड ले आए हम, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब आपका पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इस फॉर्म को लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है, ये किसके इक्वल है, एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। तो ये एक्स बी जो है आपके पास क्या है, एक्स बी जो है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको ये पता चल गया कि जो आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स बी, एक्स बी क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो ये प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है, सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर, तो यहां से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये हमारी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, तो ये क्या है आपके पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आप लिखेंगे कि एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, हेंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका जो है मोलर मास जो अगर हमने डिटर्मिन करना हो, तो हमें पता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है, इस चीज को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन के लिए डेल्टा पी लिख लूँ इसको, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख सकते हैं ये, देन डेल्टा पी इज अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी, मोल फ्रैक्शन अगर आपने बी का निकालना है तो बी को ऊपर रखेंगे, ठीक है, टोटल जो है वो डिवाइड करेंगे उसके साथ, तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकती हूँ। अब सोल्यूशन के अंदर जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन आपका जो एन ए बचे जो कंपोनेंट होता है आपके पास, ठीक है, सोल्यूशन में जो आपके पास एन ए है वो कंपोनेंट आपका जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, और एन बी जो कंपोनेंट है वो थोड़ा कम प्रेजेंट होता है, निग्लिजिबली मान लो इसको, एन बी जो है वो लेसर अमाउंट में होगा, एन ए जो है वो आपके पास क्या होता है, लार्जर होता है, तो एन ए जो है वो एन बी से क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए कर सकते हैं हम, अगर वो निग्लिजिबल है तो एन ए के इक्वल हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सॉल्वेंट जो है अगर हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं और इस फॉर्म में जैसे किस तरह से इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे मॉडिफाई करके हम लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, जरूरी नहीं अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए एक्स बी, देन अगेन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, यहाँ पे एन बी एन ए प्लस एन बी, फिर यहाँ पे एन बी की वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे इससे आगे जो है वो स्टेप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में आप लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय
N A W A and M A, ठीक है. तो यहाँ से जो है वो आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो मॉलिक्यूलर मास जो है निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एम ए एम बी ए है इस साइड लेके, वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से जो है ये इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम डिटर्मिन करते हैं. तो यहाँ पे जो है डेल्टा पी जो मैंने लिखा वो क्या है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है आपके पास, ठीक है. और पी नोट ए क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर आपका प्योर कंपोनेंट का एट द टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर दैट टेम्परेचर, ठीक है. डब्ल्यू बी जो है आपके पास ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट. और डब्ल्यू ए क्या है आपके पास, मास ऑफ द वाटर. एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट और एम ए इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है. डब्ल्यू ए क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है ये आपके पास, सॉल्वेंट चाहे जैसे आपने वाटर लिया है कुछ भी लिया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास है ये आपका मॉलिक्यूलर जो है मास आपका एम ए जो है ये मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके पास ये आ गया सॉल्वेंट का, मतलब ये आपका सॉल्वेंट है ये आपका सोल्यूट है, ठीक है. वेट ऑफ सोल्यूट आपका कितना है, डब्ल्यू बी के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मास ऑफ सोल्यूट कितना है, डब्ल्यू बी. ये क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. तो इस तरह से यहाँ से एम बी की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो यहाँ से निकल जाएगा आपके पास. तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कुछ नहीं है, जस्ट रॉयल्स लॉ आपने उठाना है. ये चीज़ आपको मैंने पहले भी करवाई है, बताया था उस दिन की कंपोनेंट यूनिटी जो है वो कैसे वन के इक्वल है. तो इन दोनों को वन माइनस एक का अगर लिख है कंपोनेंट, तो सेकंड जो है इस तरह से वन माइनस एक्स भी करके आप निकाल लेंगे. बस इसको अरेंज करना है, रीअरेंज करके आपके पास यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है आपका, ये वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है. तो यहाँ से पता चलता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हैंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन आए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ तक आपने करना. अगर वो साथ में पूछा कि हाउ यू कैन डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर मास इन द वेपर प्रेशर, इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से, तो आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सारा, ठीक है. तो ये कंपोनेंट जो है इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये निगलिजिबल होगा एन बी आपका, तो इसलिए टोटल में एन ए हमने लिखा है. तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि ये किसके बराबर है, डेल्टा पी, पी नॉट ए आपका एन बी अपॉन एन ए. तो एन बी जो है आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए आपके डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म्स शुरू में मैंने करवाई थी, वहाँ पे भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. तो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. द नेक्स्ट वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है इसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑन इट सर्फेस इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर. सर्फेस का जो प्रेशर हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है. दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. वेन द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है. जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाता है बच्चे, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. एज सच द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो आपने लिखना क्या है इसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. पहले इसमें बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑन द सर्फेस, एट विच द प्रेशर ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये, इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर के ये इक्वल हो जाएगा जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है. व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, राइट डाउन नेक्स्ट, व्हेन लिखी लो ये भी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो क्या कर जाता है, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, वो सिंपल वे वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो एलिवेशन आती है इसमें बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिवेशन को डेल्टा टी बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एलिवेशन है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टी बी के साथ। तो इसमें एक ग्राफ जो है वो हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये मैं एक ग्राफ जो है प्लॉट करूंगी। इस साइड पे जो है वो प्योर सॉल्वेंट आपने लेना है, प्योर सॉल्वेंट यहाँ आपने रखना है, प्योर सॉल्वेंट सॉरी वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे आपने लेना है वेपर प्रेशर, ठीक है। इस साइड को आपने क्या लेना है, वेपर प्रेशर, और यहाँ आपने लेना है टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए ग्राफ जो है वो देखिए कैसे बनाना है यहाँ पे आपने। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, और ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट बनाइए इसको, फिर करते हैं एक्सप्लेन। एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये वो पॉइंट है बच्चे जहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे ऐसे लिखे सॉल्यूशन पी इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये आपके पास टी बी है, ये टी नॉट बी है, ये जो टी बी है आपके पास ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये अपना आपका जो है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। ये आपने लाइन जो है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिखाने के लिए ड्रॉ किया, और ये वाला आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर है दोनों के बीच में आपने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, और ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली जो है वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, मैथमेटिकली इस इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स जो डेल्टा टी नॉट बी है आपके पास और टी बी है, जो बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्वेंट का है, जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी बी के साथ, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, डेल्टा टी बी के साथ जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली देखिए इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। ये इक्वेशन लिखनी है, देन आपने लिखना है, बताना है टी बी क्या है, टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और इस इक्वेशन को और आप कैसे लिख सकते हैं, इट हैज बीन फाउंड दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन मीन्स एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो एम के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेयर हेयर के बी इज द, वट इज के बी, के बी इज द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, के बी इज द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। टी बी सॉरी के बी इज द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेन द सोल्यूशन इज वन मोलल, is defined as the elevation in boiling point when solution is वन मोलल। जब आपके पास सोल्यूशन जो है वो वन मोलल हो तो उसको हम उस टाइम क्या बोलते हैं, वो आपके पास मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे इसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के ऊपर डेल्टा टी बी जो है वो डिपेंड करती है। अब एम की वैल्यू देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो एम इज इक्वल टू लिखिए, एम इज इक्वल टू एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे, नंबर ऑफ मोलैलिटी है, मोलैलिटी कंसेंट्रेशन टर्म मैंने आपको करवाई है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, क्या लिखते थे आप, 1000 ग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg या 1000 ग्राम्स, तो कितने में प्रेजेंट है 1 kg में, तो उसी तरह से इसको लिखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, या नीचे लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो कैसे इसको राइट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मीन्स डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, ठीक है, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो डेल्टा टी बी इसकी जगह पे अब एम की वैल्यू ये हमने पुट करनी है यहाँ पे, ये जो है एम की वैल्यू है हमारे पास मोलैलिटी जो है वो यहाँ पे हमने एम की टर्म जो है वो पुट करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या बोला के बी एम, अब क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी, एम की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे यहाँ पे, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सारी ये टर्म यहाँ पे सिर्फ आपने के बी जो है एज इट इज यहाँ पे लिखना है, ठीक है, मोलैलिटी जो है वो लिखनी है आपने, बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट एम की वैल्यू, एम इज इक्वल टू किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू वी से, वेट ऑफ सॉल्वेंट किससे करेंगे हम डब्ल्यू ए के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन निकलता है डेल्टा टी बी का, न्यूमेरिकल जो आएंगे आपने इन एक्सप्रेशन को यूज करना है, ठीक है, तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास, ठीक है, जो आपके सरफेस का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है सरफेस का, द प्रेशर जो है सरफेस के ऊपर वो इक्वल हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे आप ऐड करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करके आपने ये छोटी सी इक्वेशन है ये मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बताना है टी बी क्या है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है वो है और टी नॉट बी आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट का है, ठीक है, देन ऑल्सो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, के बी क्या है आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, एम क्या है मोलैलिटी, इसके इक्वल भी होता है ये, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ये मोलैलिटी हमने पढ़ी हुई है, जस्ट आपने के बी एम की वैल्यू जो मोलैलिटी जो इसके साथ जोड़नी है, इस तरह से आपने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये है आपके पास, अब यहां से देखो आपके पास जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये भी नंबर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एम बी अगर आपने यहां से निकालना हो, ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपके पास जैसे ये है मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम बी जो है वो इस तरह से आप लिखेंगे के बी इंटू डब्ल्यू वी मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डेल्टा टी बी जो है आप इस साइड ले जाओ डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ये क्या है एम बी है, हैंस यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये जो इक्वेशन आपकी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो सॉल्यूट का हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड एम बी आप इस साइड ले जाइए और बाकी डेल्टा टी बी जो आप इस साइड ले जाइए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये आपके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट जो डेल्टा टी बी है उसको कैसे डिफाइन करना है आपने, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी,
मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की वो यूनिटी है, देन इट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, इस इक्वेशन को अगर आपने देखना है तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी। देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी बी जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, के बी इज इक्वल टू यहाँ पे के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किस में है, किलोग्राम में, ठीक है। के बी इंटू एम की वैल्यू क्या है आपके पास, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एन बी के। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपके पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है और इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्रेशन इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट ग्राफ थोड़ा डिप्रेशन उसमें शो करेंगे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जहां जहां पे आपने टी बी लिखा है जस्ट वहां पे एफ एफ करते जाना है, बॉइलिंग है वहां पे फ्रीजिंग करना, बाकी एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा, जस्ट डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज और ग्राफ में थोड़ा सा चेंज, ठीक है। तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। What is depression in freezing point? Freezing point of the solvent is that temperature at which the solid and the liquid form the solvent are in equilibrium. Solid and liquid form of the solvent are in equilibrium. That is, simply we can say that the solid and the liquid form of the solvent have the same vapor pressure. Okay, what is depression in freezing point? When the solid and the liquid form of the solvent have the same vapor pressure, ठीक है। As the addition of the non-volatile solute to pure solvent, यहाँ पे क्या करेगा, वो lower करेगा इस vapor pressure, ठीक है। Non-volatile solute जब जैसे add करते हैं उसका vapor pressure क्या कम हो जाएगा, ठीक है। Also the freezing point of the solution expected to be less than that of the pure solvent, and this is known as depression in freezing point, ठीक है। उसको graphically अगर हम represent करें तो वो कैसे represent करेंगे, ये आपके पास जैसे graph है, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉरी ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट का और ये आपके पास सॉल्यूशन का जो है, ठीक है, वेपर प्रेशर रहेगा टी एफ। जैसे वहां पे था टी बी, बॉइलिंग पॉइंट किसका था, वो सॉल्यूशन का था, वैसे ही आपके पास टी एफ जो है ये सॉल्यूशन का आपके पास यहाँ पे एफ आ जाएगा बी की जगह बस, ठीक है। ये किसका है, सॉल्यूशन का, और ये किसका है, टी नॉट एफ, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आपका वो इस तरह से थोड़ा डिप्रेशन जो है उसमें ये शो करेगा थोड़ा सा, तो ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ पे डिप्रेशन आएगा, डिक्रीज वो दिखाना है। तो यहाँ पे जो यहाँ ये जो है आपके पास, जैसे पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो इसको, बी सी एंड ए बी सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये सॉल्यूशन है और दिस लाइन शो डिप्रेशन इन सॉल्वेंट, ठीक। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, अगेन जैसे वहां पे था डेल्टा टी बी, यहाँ पे डेल्टा टी एफ। ग्राफ किसके बीच में हम प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे भी टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में, जैसे बॉइलिंग में आपने किया था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कैल्विन में शो करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है आपने कि फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का इज दैट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम, मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट हैव द सेम वेपर प्रेशर हो जाता है, दोनों का जो सॉलिड है और लिक्विड है उनका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दोनों का वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वेपर प्रेशर दोनों का एक ही उसमें जा रहा है, ठीक है। तो सेम वेपर प्रेशर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर ये शो करेगा और
यहाँ पे जो आपके पास जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो आप प्योर सॉल्वेंट के अंदर जैसे ऐड करेंगे इसमें, तो उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, एंड इसको ग्राफिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैथमेटिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली टी एफ इज इक्वल टू सेम टी एफ माइनस टी नॉट एफ। ठीक है, वैसे ही टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ हैज बीन फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसेंट्रेशन। अगेन सेम वैसे ही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, वहां पे के वी एम किया था, यहाँ पे के एफ एम करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मीन्स कैसे लिखेंगे हम इसको, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 सेम रहेगा अपॉन एम सॉरी डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या है आपके पास, वेट ऑफ किसका है, मास जो है सोल्यूट का, ये मोलिकुलर मास सोल्यूट का, ये क्या है सॉल्वेंट का मास। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करना है इसको 1000 के साथ। तो इस तरह से ये आपके पास मोलैरिटी एम आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करेंगे हम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, के एफ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, देन मॉलिकुलर मास अगर आपने फाइंड आउट करना है, देन एम बी इस साइड आ गया, के एफ इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो यहाँ से मॉलिकुलर मास जो है वो फाइंड आउट हम कर लेंगे। और ये जो है यहाँ पे के एफ है आपके पास, ये क्या है, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। वट इज के एफ, इज द मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। वहां पे क्या था, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड इट मे बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम जो मोलर मास सोल्यूट का एम बी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ द अदर क्वान्टिटी। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, ऑल्सो वी कैन राइट इन दिस वे के एफ इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एंड डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये एन बी। ठीक है, तो डेल्टा टी बी सॉरी डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी। तो यहाँ से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, हैंस इट इज ऑल्सो एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि ये क्या है आपके पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यहाँ से मोलैरिटी एम की वैल्यू फाइंड आउट की है, बस जस्ट के एफ एम एम की वैल्यू पुट कर रही है यहाँ पे, और यहाँ से हमें पता चल गया ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर ये वैल्यू जो है आपकी डिपेंड करती है, हैंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आपका डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो थ्री आपके हो गए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन। ठीक
के कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो जिसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि अगर हमने प्रिवेंट करता है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उसको पास होने से मना करेगा, उसको रोकेगा सॉल्यूशंस के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सिंपली क्या बोल सकते हैं हम इसमें, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द पासेस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक आपके पास यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, वेंट ऑफ थ्योरी है आपके पास, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी, ठीक है। तो पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज पाई, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सी आपके पास जो है बच्चों मोलर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सी इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर है। आर आपके पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, और विच इज सेम एज द गैस कांस्टेंट जो है 0.08205 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है, उसी के इक्वल है। तो सी जो है आपके पास ना हो हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एन अपॉन बी, कंसेंट्रेशन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी है, तो सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं पाई को, एन, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, वी जो है आप इस साइड ले जाएंगे, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इफ डब्ल्यू ग्राम ऑफ द सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वी लीटर ऑफ द सोल्यूशन एंड एम इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, देन व्हाट वी हैव टू राइट, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्राम ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन वी लीटर ऑफ द सोल्यूशन, एम इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, एंड मॉलिकुलर मास आप कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। एज द मॉलिकुलर मास जो है आपका मैक्रोमोलिक्यूल आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10^6 amu, तो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन टेकन इज वेरी लो, ठीक है। फॉर सच सोल्यूशन अदर मेथड लाइक द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट एक्स्ट्रा कैन नॉट बी यूज बिकॉज चेंजेस मेजर इन दिस प्रॉपर्टी आर वेरी स्मॉल एंड दिस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर। ऑन द अदर हैंड द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सच सोल्यूशन कैन बी इजिली मेजर ड्यू टू इट्स मच लार्जर मैग्नीट्यूड, ओके। तो यहाँ से हम m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आपके एक्सप्रेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के।